बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ सरदार अमीन जतोई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज फिर हम पहुँचे हैं फैसलाबाद का हल्का है पी 112। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये रेक्स सिटी मार्केट है। ये फैसलाबाद का एक मशहूर कारोबारी हब है और ये पी 112 में आता है। यहाँ के कारोबारी हजरात से हम जानेंगे कि आने वाले इलेक्शन में ये किस सियासी पार्टी का साथ देंगे। तो आइए चलते हैं। वोट किसको देंगे जी इस बार? सर जो तो मुल्की हालात जा रहे हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं कि पीटीआई का जोर है, मगर नून लीग के भी जो कैंडिडेट हैं जो पीपी 112 से है वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, तो काफ़ी उन्होंने भी काम करवाया, मगर इस दफ़ा जारी बात है पीटीआई की हवा है, तो हर बंदा पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर टिकट किसको मिला है पता है आपको? सर यही सबसे बड़ा मसला ये बना है पीटीआई में, सबसे ये टिकटों की जो तकसीम है इस पर बहुत ज़्यादा फसाद पड़ा। ये हमारा जो इलाका है CC71 PP 112, यहाँ पे जो लोगों को ज़्यादा उम्मीद थी वलीद डोगर की थी और उसके बाद दुमर साहब तो हॉट कैंडिडेट थे, मगर ये पार्टी पीटीआई पार्टी की समझ नहीं है कि उन्होंने किस बेस पे बिलाल बसरा साहब को टिकट दिया, क्योंकि मोस्टली हम भी यहाँ पे लोगों से पूछते हैं बिलाल बसरा साहब कौन है, बिलाल बसरा साहब की अभी, क्योंकि जो वकील लोग हैं वही जानते हैं कि बिलाल बसरा साहब बार के साबिक सदर रहे हैं, मगर लोग जो अहले अवाम हैं वो उनसे उनको नहीं पता नहीं, इस हवाले से क्योंकि बिलाल बसरा साहब कौन है और आप इस दफ़ा पीटीआई को वोट देंगे जी, आप वोट किसको देंगे जी इस बार? वोट सोचा कोई नहीं जी, सोचा नहीं है आपने? नहीं पता आपने किसको वोट देना है? आपने किसको वोट देना जी? आपने भी नहीं सोचा होगा, ठीक है जी आगे चलते हैं जी। बेटा वोट किसको देना है इस बार? वोट किसको देना है इस बार? इमरान खान को। इमरान खान को देना है? यहीं पे वोट बना हुआ है आपका इसी हल्के में? नहीं नहीं, स्वात में। आपका स्वात में बना हुआ है? हाँ जी। आप वोट इमरान खान को देंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट किसको देना है जी इस बार आपने? इस बार वोट इमरान खान को। इमरान खान को देना है? कौन कैंडिडेट है यहाँ पे आपका? इधर फरखा भी नहीं, यहाँ पे PP 112 में कौन कैंडिडेट है पीटीआई का पता है आपको? किसको टिकट मिला है? नहीं यार ये मालूमात नहीं, आपको पता ही नहीं है? नहीं है इस बात, ये बिलाल बसरा साहब को टिकट मिला है, आपको नहीं पता इस बारे नहीं, इस बात में आपका नहीं पता, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है जी। वोट किसको देना जी आपने इस बार? पीटीआई। पीटीआई को देना है? पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है PP 112 में, किसको टिकट मिला है, किसको पता नहीं, वो सामने नहीं आया। अच्छा सामने नहीं आया, यहाँ पे तो टिकट मिल चुका हुआ इतने, पता नहीं हमें वो अंडरग्राउंड ये काम अभी ना सामने नहीं आया। अच्छा अच्छा, आपको उनका नहीं पता है, इस हवाले से आप नहीं जानते, लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है? इमरान खान को। इमरान खान को देना है जी। आपने वोट बेटा किसको देना है जी इस बार? मैंने, हाँ जी, वोट किसको देना है? इमरान खान हमारा ही है। इमरान खान। इमरान खान को देना है? कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे आपका PP 112 में? हमारा वो क्या कहते हैं फरख भी साहब है। अच्छा आप उस हल्के से हैं? इस हल्के से नहीं है, लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है। भाईजान वोट किसको देना जी आपने? जी वोट किसको देना है इस बार आपने? वोट तरीके लबैक। तरीके लबैक को देंगे? ना नून लीग ना पीटीआई। अच्छा तरीके लबैक, आप समझते कि यहाँ से आसानी से सीट निकाल लेगी सर? आसानी से तो नहीं, अभी इनको टाइम लगेगा तरीके लबैक को, इतनी आसानी तकरीबन लगेंगे 10 साल तो लगेंगे इनको, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन तरीके लबैक को आप वोट दे, आपने किसको वोट देना जी? मैं तो फिलहाल तो पीटीआई की तरफ हूँ। इमरान खान की तरफ? फिलहाल पीटीआई की तरफ है। अच्छा कौन सा कैंडिडेट है आपका यहाँ PP 112 में? इधर है अपना क्या उसका नाम है, फरक भी है। फरक अभी तो उधर है ना PP 112 में। आपको कैंडिडेट का नहीं पता? आपको इधर का नहीं पता? इधर का आपको नहीं पता? नहीं इधर वो भी नहीं। आपने किसको वोट देना जी? TLP पंचायत। आपने भी TLP को देना है, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी वोट किसको देना है इस बार आपने? वोट मियां साहब को। मियां नवाज शरीफ को देना है? उसको। पक्के वोटर हैं आप उसके? इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे कौन है आपका MPA MNA? MPA मुस्लिम लीग नून का राणा अली बास। राणा अली बास, मियां मनान। अच्छा उनके पैनल को आप वोट देंगे? आप इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि आसानी से मुस्लिम लीग नून हल्के से शुरू से उनको दे रहे हैं, अभी उनको ही देंगे? अच्छा आप समझते आसानी से सीट यहाँ से निकाल। आपने किसको वोट देना? ये मियां साहब दे निजाले। अच्छा आपने, आपने भी इनके पीछे ही वोट देना, ठीक है, थैंक यू। भाई साहब वोट किसको देना है इस बार आपने? सर इमरान खान को। इमरान खान को देना है? आप कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे PP 112 में, आपको पता है किसको टिकट मिला यहाँ पे? नहीं जी इस गल का नहीं पता। फर्क भी। अच्छा आप उस हल्के से हैं, आपको इस हवाले से नहीं पता, ठीक है। अच्छा जी वोट किसको देना है इस बार आपने? वोट इस बार किसको देंगे आप? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देना है?
नवाज शरीफ के यहाँ पे मियाँ मनान साहब हैं और राना अली अब्बास पैनल आप समझते हैं। मेरा हल्का इस्लामाबाद है। अच्छा आप इस्लामाबाद से हैं, इधर से नहीं है, लेकिन आप नून लीग के वोटर हैं। इस्लामाबाद में अच्छी, इसका मतलब है नून लीग। आप किसको वोट देंगे जी? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देंगे। आपको पता है यहाँ पे कौन कैंडिडेट है उनके? नवाज शरीफ हमारे एरिए में आबद शेर अली है। अच्छा आप आबद शेर अली के हल्के से हैं। आबद शेर अली साहब वहाँ पे आप समझते हैं कि आप नून लीग के इस्तीफा वोट करें। ठीक है, थैंक यू जी। आपने वोट किसको देना जी? देखो जी जिंदे हालात है गए तो वोट तो इमरान खान ही बनता। अच्छा जिस तरह क्यों मशहूर है इमरान खान? नहीं हालात मुल्क के जो मर गई गरीब भुखा मर गए उन्होंने एहसास ही। अच्छा आप समझते हैं कि इमरान खान यहाँ पे किसको टिकट किसको मिला है आपको पता है? नहीं ये नहीं। अच्छा ये नहीं पता आपको, लेकिन वोट आपने इमरान खान को देना है। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी इस बार आपने वोट किसको देना जी? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे? पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे आपके पीपी 112 में पता है आपको? मैं यहाँ का रहशी नहीं हूँ। अच्छा आप यहाँ के रहशी नहीं, आप यहाँ के रहशी होंगे जी। आपने वोट किसको देना इस बार? पीटीआई। पीटीआई को कौन सा कैंडिडेट है आपके यहाँ? फैजुल्ला का मौका। फैजुल्ला का मौका, वो तो एमएनए है ना। एमपीए का कौन सा कैंडिडेट? एमपीए का असद मौजम। अच्छा वो तो और हल्का है ना, ये तो यहाँ पे बसरा साहब को टिकट मिला है, बिलाल अशरफ बसरा। इधर का कंफर्म नहीं है जो हमारा एरिया हमें। अच्छा आप असद मौजम के हल्के से हैं, आप उनको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे? आपने भी पीटीआई को देनी? आप भी पीटीआई के वोटर हैं। थैंक यू। अपना ही सोचना है, इमरान खान आ जाए नवाज शरीफ आ जाए, इन्होंने अपना ही सोचना है, आवाम का नहीं सोचना। अच्छा आप दोनों पार्टियों से नाला हैं? हम दोनों पार्टियों से नाला हैं। दोनों पार्टियों से नाला हैं। आपने किसको वोट देना जी? आपने किसको वोट देना है इस बार? इसमें लबैक। तहरीके लबैक को जी? आप समझते हैं कि तहरीके लबैक मजबूत पोजीशन में है इस हल्के में? हाँ जी। अच्छा आप समझ रहे हैं कि मजबूत पोजीशन, आप तहरीके लबैक के वोटर हैं। थैंक यू। आपका कौन सा कैंडिडेट है जो यहाँ पे पीपी 112 में जिसको टिकट मिला है? अभी पता नहीं क्योंकि मैं तो दुबई से आया हूँ। अच्छा दुबई से आए हैं आप, लेकिन पीटीआई के वोटर हैं पक्के? पीटीआई जड़ों में से। आप सारे यहाँ पे पीटीआई बैठे हुए? आप समझते हैं कि पीटीआई यहाँ से आसानी से सीट निकाल लेगी? आप में से किसी को पता है जी? जेन्युइन इलेक्शन नहीं, आप में से किसी को पता है कि यहाँ पे टिकट किसको मिला है पीपी 112? नहीं, बिलाल अशरफ बसरा को यहाँ पे टिकट मिला है ना आपको इसमें? देखिए आप पीटीआई का अच्छा यहाँ बिजनेस पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपको इसका मतलब पीपी 112 में भी टिकट के वाले से आपको नहीं पता, लेकिन वोटर आप सारे पीटीआई के। थैंक यू। बताइए वोट किसको देना है इस बार आपने? मेरा बना नहीं हुआ। आपका वोट नहीं बना हुआ? आप में से आपका आपने इमरान खान को? इमरान खान को देंगे। इसी हल्के से हैं आप? मैं फैसलाबाद से इमरान खान को देंगे, वो बंजा सच्चा बंदा है, अच्छा है, ठीक है, और समझदार है, और अल्लाह का शुक्र है उस वो बेईमान बंदा नहीं है। बेईमान बंदा नहीं है। आप इमरान खान के वोटर हैं? आप किसके वोटर हैं जी? इमरान खान के। आप भी इमरान खान के वोटर हैं? ठीक है जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इस बार वोट किसको दे रहे जी आपने? तहरीके लबैक को। तहरीके लबैक किस हल्के में बेहतर पोजीशन में है? आप समझते हैं कि यहाँ से सीट निकालेगी तहरीके लबैक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी आप किसके वोटर हैं जी? पीटीआई के। आप पीटीआई के वोटर हैं? इसी हल्के से हैं आप? इसी हल्के से हैं? पीपी 112 से? जिला शेखुपुरा से। आप जिला शेखुपुरा से हैं? ठीक है जी। आप किसके वोट देंगे जी इस बार? पीटीआई ना दूंगा। आपने भी पीटीआई को देना है? पीटीआई का यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार है जिसको वोट देंगे आप? सारी पीटीआई से ही है। अच्छा जो भी है, जो भी पीटीआई में से होगा आप उसी को वोट देंगे। थैंक यू। आपने किसको वोट देना जी इस बार? मैं वोट लेया भी ओ जड़े अपने तरीके लबैक है। तरीके लबैक को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेहतर पोजीशन में इस हल्के में तरीके लबैक? वो 215। अच्छा 215 लाख बिजली का स्टाफ। पीपी 105 से हैं आप जी? वहां से 139। ठीक है, वो यूसी नंबर जो है 139। आप जी उसी, मैं मेरे वाले साहब। अच्छा उसी तरीके लबैक को आप वोट देंगे? थैंक यू जी। वोट किसको देना जी इस बार आपने? वो सामने। अच्छा वो बताएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी वोट किसको देना जी इस बार आपने? पीटीआई। पीटीआई को? पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे? हमारे एरिया का इधर को तो पता नहीं है, लेकिन वो उस तरफ है असद महमूद खान। अच्छा हाँ, आप पीपी 111 से है, इसका मतलब है पीटीआई को वोट देंगे आप? पीटीआई को वोट देंगे? आप समझते हैं कि वो हल्का आपका मजबूत है? वो हल्का वो
वोट बेसिक हमने खान साहब को वोट देना है जी, चाहे कोई भी चाहे कोई भी बंदा खड़ा हो जाए खान साहब को, इमरान खान को जी, इमरान खान। थैंक यू। कैसे हैं जी, ठीक ठाक है? अच्छा जी, वोट किसको देना जी इस बार आपने? वोट तो वैसे कोई भी हकदार नहीं है। अच्छा, किसी को दें? क्या हमारी हमदर्दी नवाज शरीफ के साथ? नवाज शरीफ के साथ हैं आप? यहाँ पे उनका जो पैनल है मियां मनान साहब का और आना अली अब्बास का, उसको सपोर्ट करेंगे? जाहिर बात है, जब उनको सपोर्ट करेंगे तो करेंगे फिर। ठीक है, आप पक्के वोटर हैं? आप समझते कि नून लीग यहाँ आसानी से सीट निकाल लेगी? इंशाल्लाह आसानी से जीतेगी, आसानी से जीतेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप किधर से हैं? बीबीसी आज़ाद उम्मीदवार, क्या वजह? आज़ाद है कि वो जिधर होएगी उधर असी कर देंगे। अच्छा, अच्छी साड़ी ना करदा ख्याल करदा वसा पूरी बादी दा ख्याल रखदा। आज़ाद उम्मीदवार? आज़ाद उम्मीदवार साड़ा ख्याल रखदा। कौन सा उम्मीदवार? अज़र गुज्जर। अच्छा, आप उधर से पीपी 106 से? हां जी, हां जी, अज़र गुज्जर को। अच्छा, आप उसको सपोर्ट करेंगे? आज़ाद को। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक है? अच्छा जी, वोट किसको दे रहे जी इस बार आपने? इस बार पीटीआई को। पीटीआई को वोट देना है? कौन सा यहाँ पे उम्मीदवार आपका पीपी 112 में? अभी पता नहीं है किसको टिकट मिली है, लेकिन अच्छा, जो भी होगा हमारा वोट पीटीआई। आपको टिकट का नहीं पता कि किसको मिला यहाँ पे? बिलाल अशरफ बसरा साहब को यहाँ पे टिकट मिला है, देखा कभी उनको आपने? हाँ जी बिल्कुल, नाम सुना है। नाम सुना हुआ है सिर्फ, आप देखा नहीं है? नाम सुना है, नाम सुना है, लेकिन आप वोट जो उनको देंगे? हाँ जी, मैं समझता हूँ कि जो है ना, जो भी पीटीआई का एजेंडा लेके आएगा आगे, ठीक है, वो पीटीआई का ही होगा, मतलब उसकी अपनी पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप समझते हैं कि आपने सिर्फ पीटीआई को वोट देना है, चाहे उसके लिए कोई भी आ जाए? कोई भी आ जाए। थैंक यू। इस बार आप? इमरान खान। इमरान खान। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ जी, आप बताइए पहले जी आपकी तरफ, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछा है। इमरान खान को देंगे जी। यहाँ पे किसको टिकट मिला है आपको पता है? पीपी 112 में? नहीं, समनाबाद से हैं फरक हबीब। अच्छा, आप समनाबाद से हैं फरक हबीब के हल्के से? आप समनाबाद से हैं? अच्छा, आप भी समनाबाद ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, वोट किसको दे रहे हैं जी आपने इस बार? इमरान खान को देंगे। इमरान खान का कौन सा बंदा है जो यहाँ पे आप? जो भी हो बल्ला बस। अच्छा, जो भी हो बल्ला, जिसके पास भी निशान होगा आप उसी को वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को लगता है ये सारी दुकान इमरान खान की है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है। वोट किसको देंगे जी इस बार? वोट सिर्फ बल्ले दा, ना किसे दल्ले दा। अच्छा, सिर्फ पीटीआई दा। पीटीआई को वोट देंगे आप? आपको पता है यहाँ पे कौन से उम्मीदवार हैं पीटीआई के पीपी 112 में? पीपी 112 में पहले लतीफ नजर थे, अब चेंज हुए ना, यहाँ पे हल्का भी चेंज हुआ है। अब किसको वोट देंगे आपको पता है? दूंगा तो पीटीआई को, फर्क भी को नहीं देंगे। अच्छा, फर्क भी दो टके का काम नहीं कराया, पेट्रोल पंप अपने लिए सिर्फ बनाए उस बंदे ने, चार पांच पेट्रोल पंप, मुझसे मुर्गा लेने आता था देसी। अच्छा, 900 रुपया नहीं निकलता उसके पास, उसकी जेब से। अच्छा, हमारे साथ खेलता रहा, अब लैंड क्रूजर भी आ गई उसके पास, कोई काम नहीं करता उसका भाई नबील अरशद मिलता है, वो भी किसी का काम नहीं आता ठीक तरह। अच्छा, वोट इमरान खान का करके दे देंगे, वैसे वो दो वोट देने वाला बंदा नहीं रहा, वो उसको टिकट देनी नहीं चाहिए, वो टिकटें बेच रहा है, किसको बहाना दे के 40 पॉइंट पे करोड़ ले लिया, 50 लाख ले लिया, दो ये शौकत अली राणे का हमें पता है, इससे लिए पैसे इसने, अल्लाह जाने इसको टिकट मिला है कि नहीं, 8-10 को टिकट नहीं मिला, बस पैसे इसने काफ़ी लिए हैं मुझे समय तो लोग बताते हैं, गाहक तगड़े आते हैं हमारे पास, देसी मुर्गे की दुकान है ये पैसे वैसे माल वाल बहुत बनाया इमरान खान का नाम लेकर, ये फर्क भी इबने। अच्छा, अपने पंप बनाए हैं चार इसने, एक नीचे वाला है, ये जाए पुल के नीचे, वो एक नवल्टी पुल पे, एक कहाँ से आ गए इसके पास, चल सोरा इतना अमीर तो नहीं ना, सारा कुछ ही दे दिया इसके, एक कमरा आया था इसके वालद को, मैं अगवाऊँ इसका, क्या था इसके पास, कख भी नहीं, अब इसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ भी है, दर्श ईमानदारी का देता है, काम का अपने हल्के में आया किसी के? वोटर फिर पीटीआई के हैं फिर भी? ओ, फर्क भी को वोट नहीं देंगे हम, अब वो काम आया किसी के? कोई काम नहीं आया, आता है तो आ जाता है, वो अपने मामे के सके के काम नहीं आया, जिसकी गाड़ियाँ यूज करता रहा है। अच्छा, वो किसी के काम यहाँ पे बिलाल बसरा को टिकट मिला है यहाँ पे, वो ठीक आदमी है, सदर है बार का। हाँ, अच्छा शोहरत तो अच्छी है उसकी। आप उसको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे, लेकिन फर्क भी शायद बड़ा वोट ना मिले इधर से उसको, ना मिले। आप किसके वोट रहे हैं जी? पीटीआई के। आप भी पीटीआई के जी? आप किसके? आप भी पीटीआई के जी? अच्छा जी, थैंक यू जी, जनाब ठीक ठाक है जी। वोट किसको देना है जी इस बार आपने? नून लीग को देना है। नून लीग के देंगे? नून लीग का यहाँ पे पैनल है मियां मनान और राणा अली अब्बास का, उसको समझते कि आसानी से यहाँ से जीत सकता है? सर जीत जाएंगे, जिस तरह के इमरान खान ने काम किए हैं तो उसके जीतने का इम्कान तो नहीं है।
अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान ने बेहतर काम नहीं किए जी? आप इमरान खान की पार्टी से नाला हैं, आप समझते हैं कि नून लीग यहाँ पे बेहतर पोजीशन परफॉर्म करेगी, आसानी से जीत जाएगी? जी जीत जाएगी, आसानी से जीत जाएगी। थैंक यू। 4 साल इसने गोलगप्पा खिलाया है वो हमको। अच्छा, तो अब आसानी से नून लीग आप समझ जीतेगी। अच्छा जी, वोट किसको दे रहे थे इस बार आपने? आपने सिलेक्ट नहीं किया इस हवाले से, क्या वजह क्या है? ओ सिर्फ इधर ही पूछना सी इस करके, फिर वो मैं कहता चलो बेहतर हो जाएगा बोर्ड का हूं की। चलो कोई नहीं, समझ नहीं आ रही है किस में देना। आपने इस हवाले से सोचा नहीं है? चलिए इनसे पूछते हैं जी, आपने किसको वोट देना है जी? सर सीजन नून लीग का बोर्ड साडा शुरू तो ही नून लीग का ही बोर्ड है। आप जी, हाँ आज मियां मनान साहब और यहाँ पे रहने वाले बाद साहब का पैनल है, आप समझते हैं कि आसानी से यहाँ से सीट निकाल लेगा? इंशाल्लाह अल्लाह खैर, बेहतर बेहतर होना चाहिए। जो चार साल में मिला वो कुछ नहीं है, उससे परेशानी आई है, कोई काम का, कोई विजिट का, कोई चीज का पता नहीं। आप इस बार नून लीग को वोट देंगे? आप समझते हैं आसानी से यहाँ से नून लीग? पहले भी हमारा नून लीग का था, अभी वही है, अब भी नून लीग के साथ देंगे। थैंक यू जी। अच्छा जी, वोट किसको देना जी इस बार आपने? वोट सर मैं तो पहले भी पीटीआई को देता हूँ वोट। अच्छा। 2010 से। अच्छा। डे फर्स्ट का मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ। अच्छा। वोटर हूँ। अच्छा जी, आप समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है पीटीआई का? यहाँ मैं तो इधर का हूँ नहीं, लेकिन इधर है फैजला कमोका साहब। अच्छा, हाँ जी, आप समझते हैं कि फैजला कमोका को आप वोट देंगे? आपको पता है मैं इधर का नहीं हूँ, मैं तो समुद्री का हूँ ना। अच्छा, आप समुद्री के हैं, लेकिन आप वोटर पीटीआई के? पीटीआई के वोटर डे फर्स्ट के। डे फर्स्ट, थैंक यू जी, थैंक यू। वोट किसको दे रहे थे इस बार आपने? पीटीआई सर। पीटीआई को देंगे आप? आप समझते हैं कि पीटीआई यहाँ पे बेहतर पोजीशन में होगी सलके में? सर बेहतर नहीं, मगर दूसरी जमातों से बेहतर, दूसरी जमातों से बेहतर। कौन सा उम्मीदवार है पीपी 112 में, पता है आपको? पहले तो हमारा फैजुल्ला का मौका था, वो तो एमएनए है ना, पीपी 112। एमपीए का कौन सा? एमपीए का मेरा लतीफ नजर था मेरा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिलाल अशरफ इमरान खान का वोट। बसरा, आप इमरान खान के वोटर हैं? आप समझते हैं आप पिछली दफा भी उससे ही दिया था पीटीआई को। आप किसके वोटर हैं जी? किसको? आर्मी के। अच्छा, आप फौज के साथ हैं? थैंक यू। आप किसके वोट रहे जी? हम इंशाल्लाह पीटीआई को दें। आप भी पीटीआई को दें? आप भी पीटीआई? आप, ये सारी दुकान पीटीआई की नाज़रीन। थैंक यू। किसको देना जी इस बार? इस बार नून लीग को, नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा, आप मियां मनान और राणा अली बास के पैनल के साथ होंगे आप इस बार? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सी नून लीग, नून लीग को हमारे बड़े भी नून लीग को पसंद करते थे, हम भी नून लीग को। आप समझते हैं कि इस मकबूलियत पीटीआई की नून लीग सीट निकालेगी यहाँ से? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आसानी से निकालेगी। वो ज्यादा बातें नहीं करते। अच्छा। पीटीआई वाले ज्यादा बातें करते हैं, नून लीग वाले ज्यादा बातें नहीं करते, वो काम करते हैं, वो काम करके दिखाते हैं। आप किसके वोटर हैं जी? नून लीग। आप भी नून लीग के साथ हैं? हाँ जी। आप समझते हैं कि नून लीग आसानी से यहाँ से जीत जाएगी? आसानी से जीत जाएगी, ठीक इंशाल्लाह, मदद करेगा। आप किसके वोटर हैं? नहीं, पीटीआई। आप पीटीआई के हैं? पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे सपोर्ट करेंगे? ये वाला इधर बसरा आ रहा है। अच्छा, तो वो स्कूल में आ रहा है ना, ये पीछे मेरा घर है जाल पे। अच्छा, तो उधर आएगा परसों। अच्छा। आएगा। अच्छा, परसों आएगा। आप वोट बसरा साहब को देंगे? जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इमरान खान को जी? इमरान खान को जिंदाबाद। अच्छा, जिंदाबाद। आप इसी हलके से हैं? हाँ जी, इसी हलके से हैं। मैं है पेशावर का, लेकिन वो जुड़े वोट वहाँ के बने हैं, लेकिन वो जुड़े वोट उसको देगा। आप वोट इमरान खान का है? थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, वोट किसको देना जी इस बार आपने? इमरान खान को देना है। यहाँ पे इसी हलके में वोट रहे हमारा मंसूराबाद। अच्छा, मंसूराबाद से, लेकिन आप वोट पीटीआई को देंगे? थैंक यू, थैंक यू। वोट किसको देना है? फैसलाबाद के। फैसलाबाद नहीं, वोट देंगे कौन सी पार्टी को देंगे? नून लीग, पीटीआई? मुझे नहीं मालूम था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वोट नहीं डालते आप? हैं, वोट देते हैं आप? मुझे नहीं पता, आप नहीं पता इस बारे में, नहीं जानते। थैंक यू। अच्छा जी, वोट किसको देना चाहिए आपने इस बार? डेफिनेट इमरान खान। इमरान खान को वोट देंगे? पक्के वोटर हैं आप उनके? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम। पहले नहीं दिया था, आप देंगे? अच्छा, क्या वजह है? समथिंग बेटर। आप समझते हैं कि इमरान खान बेहतर है? इनसे सबसे बेहतर है। कौन उम्मीदवार है यहाँ पे उनका? कोई भी हो, मुझे कोई भी हो, कोई भी हो, वोट आप इमरान खान को देंगे? समथिंग बेटर, सबसे बेहतर है आप, आपकी नज़र में। थैंक यू। आपने किसको वोट देना जी? मैंने देना? आपने नहीं देना जी? आपने किसको वोट देना? देना नहीं जी। आपने देना नहीं, क्या वजह है? क्या वजह? सब डिस्करेज करते हैं। डिस्करेज करते हैं? दोनों से नाला हैं आप? दोनों से नाला हैं जनाब। थैंक यू। वोट किसको देना जी इस बार आपने?
वोट पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे इमरान खान को। यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट है उनका? यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से लतीफ मलिक गुजर है। अच्छा, वो तो उनका हल्का चेंज हो गया ना। अब यहाँ पे बिलाल अशरफ बसरा को टिकट मिला है, पता है आपको? नहीं अभी नहीं पता। अच्छा, लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है? वोट पीटीआई को। वोट आपने किसको देना है जी? भाई किसी को भी नहीं देंगे। वजह क्या है? तमाम पार्टियों से बेजार हो चुके हैं। वजह कोई भी नहीं काम करते, सब खाने के लिए आते हैं। फर्क भी गया था, खा भी गया, किधर से पंप लग गए, सारा कुछ हो गया, इधर से ही हो गया। ये तो अभी बेवकूफ हैं जो पीटीआई की हमें आदमी बोलते हैं। हम तो कभी ना नून को देंगे ना पीटीआई को देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। तमाम पार्टियों से बेजार हैं हम, नहीं देंगे वो। अच्छा, जाया कर देना बेहतर है इससे। आप दोनों पार्टियों से नाला है, आप इसकी वजह क्या है? ये करप्शन और क्या है? बिल्कुल, ये रोड था ये वाला 20 फुट का था, 14 फुट का बना दिया, इसमें करप्शन हो गई। कौन कौन सा काम है जिसमें करप्शन नहीं हुई? ये सत्याना रोड पे जो रोड बने हैं वो आधे वैसे ही करके फारिग कर दिए। फारिग कर दिया। आपकी नज़र में करप्शन जो है वो मेन वजह बनी है? बहुत ज़्यादा। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा वोट किसको देना है आपने इस बार? पीटीआई। पीटीआई को। कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे जिसको वोट देंगे आप? यहाँ पे तो वो है, क्या अपने कैंडिडेट का नहीं पता, लेकिन वोट आप पीटीआई का, इमरान खान का बंदा है बस, उसके इमरान खान को वोट देंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वोट किसको देना जी आपने? सर जी पीटीआई को। पीटीआई को देना जी सर जी। कौन सा बंदा है आपका यहाँ पे पीटीआई का जिसको वोट? सर जी फर्क भी है गए। अच्छा, फर्क भी तो दूसरे हल्के से ना यहाँ पे? सर जी नाजमा बास साडे उधर से रहे हैं। उस हल्के से हैं? हां जी सर जी, इन्होंने खीर कर दी थी महंगाई वालों। अच्छा हां जी, ता वास्ते सर जी असीं इन्हां पीटीआई नूं वोट देना। आप नून लीग से महंगाई की वजह से तंग? हाँ जी, हाँ जी सर जी, महंगाई की वजह से तंग है। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा हाई साहब, आप इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जी, और वोट किसको देंगे इस बार? वोट इंशाल्लाह ताला नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। नून लीग के यहाँ पे मियां मनान साहब और राणा अली अब्बास है, उनका पैनल है। राणा अली अब्बास को देंगे। अच्छा, राणा अली अब्बास को देंगे आपने? इंशाल्लाह। आपकी नज़र में यहाँ से सीट आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ, राणा अली अब्बास की पोजीशन अच्छी है। अच्छा, अच्छी पोजीशन है उसकी जी। आपकी नज़र में वो बसरे से अच्छी है? अच्छा, बसरे से बहुत बसरे से। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी मार्केट जो है वो कहाँ पे फॉल करेगी? आप क्या समझते हैं कि ज़्यादातर रुझान आपकी मार्केट का वो किधर? ज़्यादातर रुझान इंशाल्लाह ताला नून लीग का ही होगा। नून लीग का होगा जी। आपके अक्सर दुकानदार कहते हैं पीटीआई के साथ? वो बस इस टाइम हवा है ना, ठीक है। बाकी पीटीआई ने 4 सालों में क्या किया सबको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग विन कर लेगी। नून लीग अलीबास की वैसे भी अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन है, आपकी नज़र में वो आसानी से जीत जाएगी जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वोट किसको देना है जी आपने? वोट तरीके लबैक को। तरीके लबैक को देंगे? हाँ जी। यहाँ पे हल्के में बेहतर पोजीशन है तरीके लबैक की? हाँ जी, तकरीबन अब पहले से ज़्यादा आ गया है। पहले से ज़्यादा बेहतर है? हाँ जी। कौन कैंडिडेट है आपके यहाँ पे? यहाँ इस हल्के में कोई और, लेकिन हमारा हल्का उधर है, NA 109 है। अच्छा, आप उधर से हैं लेकिन आप तरीके लबैक के वोटर हैं। थैंक यू जी। आप किसके वोटर हैं जी? नून लीग। नून लीग के साथ हैं? शेर के साथ। आप कौन सा उम्मीदवार हैं यहाँ पे जिसको सपोर्ट? राणा सना अल्लाह ही है। अच्छा, आप नून लीग को वोट देंगे? आप समझते हैं नून लीग यहाँ से जीतेगी? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। किसको वोट देंगे जी इस बार आप? इमरान खान को। इमरान खान को। हाँ जी। कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे आपका पीपी 112 में जी? पीपी 112 में आपका कैंडिडेट कौन सा एमपीए का? राजा रियाज है। और राजा रियाज साहब तो नून लीग में आ चुके हैं ना? सॉरी, एक दो बंदे और माइंड में नहीं है अभी। हाँ, लेकिन आपने वोट पीटीआई को? वोट पक्का पीटीआई को। नून लीग को नहीं देना, वो नहीं सोचिएगा ना। अच्छा ठीक है, आपने किसको वोट देना जी? पीटीआई। आप भी पीटीआई को देंगे? थैंक यू। बेटा वोट किसको देना है इस बार आपने? किसी को भी नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। अच्छा, वोट किसको देना जी इस बार आपने? इस बार वोट किसका देना है? हाँ जी, अगर फिलहाल तो अभी मैंने कोई नहीं सोचा किसको देना है। इससे वाले से नहीं सोचा आपने? नहीं, मैंने नहीं सोचा। वजह क्या है? वजह जो मुल्क के हालात है। अच्छा, मुल्क के हालात की वजह से अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पाए? डिसाइड नहीं कर पाए। डिसाइड नहीं कर पाए। चलें, थैंक यू जी। इस बार आपने जी इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे। पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे आपके? जी फैजुल्ला का मौका। फैजुल्ला का मौका तो MNA है, पीपी 112 में आपके? नजर लतीफ है जी। अच्छा, उनका भी हल्का हो रहा है। यहाँ पे बिलाल अशरफ बसरा साहब को टिकट मिला है? अच्छा अच्छा, नहीं इसका आपको पता नहीं है? किस नहीं, अभी वो टिकट उन्होंने इशू किया तो हमें ये नहीं पता कि हमारे इलाके में किसको मिला है। अच्छा, आपको पता है आप वोटर पीटीआई के हैं जी?
अच्छा ठीक हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू। बेटा वोट किसको देना है इस बार आपने, वोट किसको देना है इस बार आपने? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को देना है? अच्छा यहाँ पे इस हल्के में बेहतर पोजीशन में पीटीआई जी बेहतर में है। अच्छा आप आइएगा जी, आप मालिक लगते हैं दुकान के, आपने वोट किसको दिया जी? मैं तो नलायक बंदा हूँ। अच्छा जी इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक को देंगे। तहरीके लब्बैक को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे इस हल्के में बेहतर पोजीशन है तहरीके लब्बैक की? ये तो वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, लेकिन आप तहरीके लब्बैक को वोट जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप किसके वोट रहे जी? पीटीआई जनाब। आप पीटीआई के हैं? यहाँ पे कौन सा कैंडिडेट कौन है आपका एमपी का? फैजुल्ला। फैजुल्ला तो एमएनए का कैंडिडेट है ना? बसरा साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। पीटीए का टिकट जिसके पास भी होगा, जिसे कोल भी होगा, आप उसको वोट देंगे। थैंक यू। नून लीग को? नून लीग के कौन सा कैंडिडेट है यहाँ? जो भी होगा। यहाँ पे मियां इरफान मनान और राणा अली अब्बास का पैनल है इस हल्के में। हम इस हल्के में नहीं है, जो हल्का ना वो है एनए 100 में। अच्छा ठीक है, आप वहाँ पे नून लीग के सपोर्टर हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। देना इस बार आपने वोट ना पीटीआई नु देना ना नून लीग नु देना, दोनों चोर ने। अच्छा दोनों बगैरत ने ते दोनों मुल्क नु खान वाले ने। अच्छा आप दोनों से नाला हैं आप, आपने किसी को वोट, आपने किसको वोट देना है? सर सेम व्यू होंगे। अच्छा सेम व्यू है, आपके क्या व्यूज है जी? ये भी दोनों पीटीआई को देंगे। अच्छा भी इंशाल्लाह कभी पीटीआई नु नहीं देना, अगर मर जाना पीटीआई नु वोट नहीं देना। इमरान खान वर्गा बगैरत चोर, दूसरे चोर से क्या गंजे? इमरान खान बेगैरत चोर आ, इमरान खान बेहया वा, इमरान खान लुचा वा। अच्छा आप इमरान खान, इमरान खान ने साडी कौम दा बेड़ा खरा करता। मेरे पसंद ना पसंद करन दी केड़ी गल आ, इमरान खान ने इस कौम दा बेड़ा खरा कर दिता। इस्लाम दे नाम ते इस्लामी मुल्क दा बेड़ा खरा करके यहूदियां नालों बुरा हाल कर दिता। ए वाकई यहूदियां दा एजेंडा। ठीक है आप दोनों पार्टियों से नाला हैं। थैंक यू। वोट किसको देना जी आपने? वोट पक्का इमरान खान का। पक्का इमरान खान। कौन यहाँ पे कैंडिडेट कौन है पीपी के बारे में आपके? यहाँ पे कमोका साहब हमारे, कमोका साहब एमएनए के हैं। एमपीए के कौन है? एमपीए के मेरा ख्याल है। अच्छा एमपीए का नहीं पता आपको? आप भी पीटीए के वोटर हैं जी? इंशाल्लाह पीटीए को वोट देंगे। आप भी पीटीए को वोट देंगे? आप किसके वोटर हैं? पीटीआई के थे लेकिन इस दफा नहीं देंगे पीटीआई को। अच्छा क्या वजह? क्या कैंडिडेट चेंज कर दिया है? अच्छा तो वो बिलाल बसरा को दिया है टिकट, तो वो हमें नहीं पसंद नहीं। आप उसको पसंद नहीं करते नहीं। आप क्या चाहते हैं? पीपी 112 से है तो उधर मतलब जो पहले था वो ठीक था, असल मौसम तो हार गया लेकिन वो अब उधर चला गया, पीपी 110 में चला गया। तो बिलाल बसरा तो है ही माफिया ग्रुप का, ये तो हम इसको लाइक नहीं करते, इसलिए हम पीटीआई को वोट नहीं देंगे। पीटीआई को वोट नहीं देंगे? आप समझते हैं कि उन्होंने कैंडिडेट बेहतर, कैंडिडेट अच्छा नहीं चुना? अच्छा नहीं चुना आप, इसलिए पीटीआई को इस दफा वोट नहीं देंगे? नहीं दे रहा वोट, नहीं देंगे। थैंक यू। अच्छा जी वोट किसको देना है इस बार आपने? पीएमएलएन को। पीएमएलएन को देंगे इंशाल्लाह। पीएमएलएन आप समझते हैं कि यहां से आसानी से जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से? अच्छा यहां पे मियां मनान और राणा अली अब्बास का पैनल भी होगा। अच्छा जो भी होगा नून लीग से? हां जी हां जी। आपने वोट उसी को देना है? ठीक है थैंक यू। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं? वोट किसको देंगे जी इस बार आप? वोट इमरान खान जी। अच्छा इमरान खान को देंगे जी सर। यहां पे कौन कैंडिडेट है आपका? यहां पे हमारे सारे कैंडिडेट जो पीटीआई के, जो हम इलाके में, जो भी पीटीआई का होगा हां जी उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह जी। आपने किसको वोट देना? सर पीटीआई। आप भी पीटीआई के वोटर हैं जी? पीटीआई यहां से जीत सकती है इंशाल्लाह जी? जीत सकती है जीतेगी। अच्छा तरीके से जीतेगी? बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलें थैंक यू जी। भाईजान वोट किसको देंगे इस बार आप? इंशाल्लाह पीएमएलएन को। पीएमएलएन को देंगे इंशाल्लाह। आप यहाँ पे मियां मनान और राणा अली अब्बास का? मनान को तो हम जानते नहीं है। अच्छा लेकिन पीएमएलएन नून को जानते हैं? बस नून को जानते हैं। नून लीग के साथ देंगे आप? जी इंशाल्लाह नून लीग के साथ। नून लीग आप किसके साथ हैं जी? इंशाल्लाह नून लीग के साथ हैं। नून लीग के साथ हैं। नून लीग यहाँ आसानी से जीत सकती है इंशाल्लाह? इस हल्के से जीतेगी इंशाल्लाह, आसानी से जीतेगी आपकी नज़र में। आप किसके वोट रहे जी? मैं नून लीग का वोटर। आप भी नून लीग के वोटर हैं? आप समझते हैं कि नून लीग यहाँ बेहतर पोजीशन में? इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में। आप बेटा किसके वोट? नून लीग। आप भी नून लीग के साथ हैं? आप किसके वोट देंगे? पीटीआई। आप पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह? पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट है यहाँ पे जो? यहाँ पे तो पता नहीं है, जिधर हमारा घर है जिधर हमारा वोट है उधर है हसन अजीज। अच्छा आप पीपी 109 के हल्के से? जी। अच्छा आप वहाँ पे पीटीआई को सपोर्ट करें? बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी वोट किसको देना जी इस बार आपने? तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ को देंगे? यहाँ पे बेहतर पोजीशन में तरीके इंसाफ। कौन कैंडिडेट है आपका जी? कैंडिडेट कौन है आपका यहाँ पे? वो सामने अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला दुमड़ जी। उसके वोटर हैं आप? उनको तो टिकट ही नहीं मिला यहाँ पे? उनको तो टिकट ही नहीं मिला?
नहीं मिला तो इमरान खान को देना, कोई भी खड़ा हो जाए, आप खड़े हो जाओ। अच्छा कोई भी खड़ा जाए, आप समझते हैं कि आपने पीटीआई को वोट देना है, ठीक है। आपने किसको वोट देना है भाई? वोट तो उसको देंगे जो हमारे हक में चलेगा। कौन है आपकी नजर में मित्र, कौन है? अभी तो जैसे हालात चल रहे हैं मुझे लगता है कोई भी हमारे हक में, इस वक्त जो है सब अपने अपने पे लगे हैं, सब आवाम के बात बारे में कोई भी नहीं। दोनों से ना लाएं, आप किसके साथ हैं जी? मैं तो पीटीआई के साथ। आप पीटीआई के साथ हैं? जी बिल्कुल। आप पीटीआई को वोट देंगे? आपने किसको वोट देना है? किसको देना चाहिए आपकी नजर में? आपसे सवाल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये मेरी 40 साल उम्र होगी, सच्चा बंदा तो एक ही नजर आया जी, सिर्फ इमरान खान, बाकी तो सब चोर है। अच्छा आप इमरान खान को वोट देंगे? सिर्फ इमरान खान को। जो भी आएगा जो इमरान खान का चपरासी भी खड़ा कर देगा तो वोट इमरान खान का। इमरान खान को, सिर्फ इमरान खान को, किसी का नहीं। थैंक यू जी। किसी चोर को वोट नहीं देंगे जी। थैंक यू। वोट देना जी इमरान खान, इमरान खान को देंगे, पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर। अच्छा आप समझते हैं कि इमरान खान यहाँ बेहतर पोजीशन में? ऑफ कोर्स बेहतर भी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से लाखों दर्जे बेहतर। अच्छा ये तो चोर है, चोरों को वोट देने का क्या फायदा? इमरान खान ने कम अज कम कोई मुल्क के लिए किया हुआ है? क्या किया है? कोई एक काम, ये काम, ये हुकूमत बदलने से पहले क्या था? ये ऐसे माहौल था, ऐसे ही थी। ये सब छोड़े, ये जिन्होंने चेंज किया, कोई ऐसा काम इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो उन्होंने बेहतर किया हो या कोई ऐसी चीज आपको पता हो, ऐसा मनसूबा? कोई मनसूबे तो 3 साल 3.5 साल में क्या होते हैं? जो 35 साल में आए थे उन्होंने क्या मनसूबे किए थे? नहीं वो तो कहते हैं हमने मोटरवेज बनाए, मोटरवे बनाए, वो बिजली पैदा की, वो ये भी कहते हैं कि आदमी धमाका किया। हाँ जी। वो तो क्यूम खान ने किया था, ये तो भाग रहे थे, हमने नहीं करना, अमेरिका मारता है। अच्छा आपकी नजर में आप इमरान खान के वोटर हैं? इमरान खान, इमरान खान को आप जीता हुआ देखा आपने? मैंने जनाब खान साहब के हम खिलाड़ी हैं, खान साहब को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे, इमरान खान को देंगे, कभी भी मुस्लिम लीग को वोट नून लीग को देंगे। आपका कौन कैंडिडेट है यहाँ पे पीपी 112 में? जहाँ मेरा ख्याल है मलिक शकील अवान है। अच्छा वो नहीं इस हलके में? इस हलके में नहीं है। हम तो रहते हैं जुना कॉलोनी में रहते हैं जी। अच्छा वहाँ पे भी मलिक शकील अवान नहीं है, लेकिन आपने वोट पीटीआई को देना है? पीटीआई को देंगे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर किसके वोट रहे हैं? सर पीटीआई के। पीटीआई के हैं जी? जी इसी हलके से हैं आप? जी इसी हलके से। कौन उम्मीदवार है आपका? ये अपना फैजुल्ला कमोका, वो तो एमएनए है। आपके एमपी कौन है? एमपी है जी, एमपी हमारे नीचे वो दूसरे है अपना लतीफ नजर। अच्छा लतीफ नजर। यहाँ पे बिलाल अशरफ बसरा को टिकट मिला है, इसका मतलब आपको उनके बारे में नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता उनके बारे में, नहीं लेकिन वोट पीटीए को देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू। नाज़रीन आपने देखा कि ये फैसलाबाद का पीपी 112 की रेक सिटी मार्केट थी, और यहाँ के हर दुकान में कोशिश की हमने जाके आपको बताया जाए कि ये आने वाले इलेक्शन में कौन सी सियासी पार्टी का साथ देंगे। इसी तरह पीपी 112 के मजीद प्रोग्रामों का सिलसिला भी जारी रहेगा, और जो मजीद इस इलाके में पीपी 112 में मजीद इलाके आते हैं वहाँ के रहने वालों से भी आपको बताएंगे कि वो आने वाले इलेक्शन में कौन सी सियासी पार्टी का साथ देंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।